हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीआरा लाइफस्टाइल। मैं वर्षा जी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हमारा एक व्लॉग। और आज जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग्स देखे होंगे जो कि मैं सालासर बालाजी गई थी, वहाँ के थे, सो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें हर व्लॉग पे और अपना सपोर्ट बनाए रखें। सो आज है 31 मार्च और आज हमारे पापा का बर्थडे है, ससुर जी का बर्थडे है, तो उनका ही बर्थडे अब हम सेलिब्रेट करने वाले हैं और देखते हैं क्या होने वाला है, क्योंकि अभी कुछ ऐसा प्लान नहीं है और किसी को पता भी नहीं है। अभी मैं दीवा को लेके जाऊंगी, उनको विश कराऊंगी। एक तो क्या होता है ना कि मैं अभी जाऊँगी उधर और विश कराऊँगी तो कैमरा होल्ड करने वाला कोई नहीं होता, तो कुछ कुछ मूवमेंट है ना वो रह जाते हैं मेरे, क्योंकि फिर होता है ऐसा नहीं हो पाती हैं सारी चीज़ें कैप्चर, सो इसी वजह से। बाकी आप व्लॉग में एंड तक बने रहें, जो भी चैनल पर नए वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं सबसे तक कैसा लगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा चैनल ग्रो कर पाए। सो चलिए बढ़ते हैं व्लॉग में आगे, देख लेते हैं कि कैसा होने वाला है छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन हमारा और क्या क्या प्लान। अभी प्लान कुछ नहीं है क्योंकि कल ही हम वहाँ से आए हैं, कल रात ही आए थे हम लोग। सो आज देखते हैं क्या होगा। अभी कुछ और भी सोच रही थी मैं, बर्थडे से रिलेटेड नहीं, और भी कुछ काम था वो भी, सो आप लोगों के साथ वो भी शेयर करना है। बाकी कई सिचुएशन ऐसी आ जाती है ना कि मैं नहीं कर पाती हूँ, कोई कोई चीज़ हो जाती है दिक्कत ऐसी, क्योंकि या तो उस टाइम मुझे टाइम नहीं होता या फिर टाइम होता है तो मैं कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो चलो ज़्यादा बक बक नहीं करते हैं, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। जीबा कहाँ जा रहे है? बर्थडे पार्टी में जा रहा है दादू की। किसका लेके जा रही हो ये बताओ, छोड़ो तो तेरी मेरी जाती। चलो 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 टाटा कर दो, टाटा करो जल्दी से, जल्दी टाटा करो, शांता नहीं टाटा। रुक जाओ, एक तो गाड़ी जरा जरा से हमारे बड़े पापा का जन्मदिन है और वो हमको बहुत अच्छी वाली पार्टी दे रहे हैं, तो हम भी भूखों की तरह बस चल रहे हैं। ये लोग सोचते होंगे जो लोग मेरी वीडियो देखते होंगे वो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ इसमें। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कैमरा पे इस तरफ करो। अरे जो लोग मेरी वीडियो देखते होंगे वो लोग यही सोचते होंगे जब भी अपनी वीडियो बुक बनाते हैं। मेरा ये देखना टेंट, मेरा टेंट तो देखो, हम जा रहे हैं हमारे पापा की बर्थडे पार्टी में। सो जैसे कि आपने भी देखा कि मैं बता रही थी कि बर्थडे में बर्थडे पार्टी है एक छोटी सी हमारी फैमिली की, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं लोकेशन पे जो कि हमारे घर के थोड़ा पास में ही है। सो ऐसे ही बैठे बैठे प्लान बन गया जब मैंने रीवा से बर्थडे विश कराया तो सबका कि चलते हैं बाहर कुछ खा पी के आते हैं, तो पापा हम सबको पार्टी देने के लिए ले गए और हम सब भी जो फटाफट से रेडी होकर निकल गए और यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ ये खड़े हुए थे पहले से ही तो रिकॉर्ड कर लिया उन्होंने फ्रंट का, वो काफ़ी अच्छा लगा। और इसके बाद हम लोग यहाँ पहुँचे तो पहुँच के वहाँ पे बैठे, पहले ऑर्डर वगैरह दिया और इसी तरीके से हमारी पापा की बर्थडे पार्टी का जो स्टार्टिंग थी वो काफ़ी अच्छी हो गई, क्योंकि ऐसे ही बैठे बिठाए जब प्लान बनते हैं ना तो काफ़ी अच्छे बनते हैं इसलिए। सो बस यहाँ पे हम लोग पहुँचे और अपना अपना ऑर्डर दिया, सबने अपना व्लॉग शूट किया, सबने नहीं मैंने और प्राची ने, प्राची भी करती है कभी कभी। सो यहाँ पे हम लोग ऐसी बातें कर रहे थे, रीवा बहुत परेशान करती है जब ऐसे कहीं जाती है तो नई जगह। और यहाँ पर हमारा फिर लंच आ चुका है जिसमें था शाही पनीर, दाल मखनी और रायता, रोटी और बटर नान, लच्छा पराठा, सैलेड था, काफ़ी अच्छा खाना लगता है हमें यहाँ का। यहाँ पे मैं और भी आ चुकी हूँ एक दो बारी और फिर सबको सर्व करके दिया मैंने जिसको जो चाहिए था उसके अकॉर्डिंग। और रीवा यहाँ साइड में बैठी हुई है, उसके पापा ने उसको पकड़ा हुआ है टाइट से क्योंकि वो भागती है चीज़ों पर, हाथ मारती है, यहाँ पर कुछ गिरेगा तो। सो यहाँ पर मैं सबको सर्व करती जा रही हूँ और अपनी थाली मैंने लगा ली है। ये है मेरा थोड़ा थोड़ा सब कुछ खाना, काफ़ी टेस्टी लग रहा था, अच्छा लगा था खाने में। और बस इसी तरीके से मम्मी को तो बाहर का खाना इतना ज़्यादा वैसा पसंद नहीं आता, बट यहाँ उनको भी अच्छा लगा,
तो ऐसे ही देखो रीवा कितने प्यार से बैठी हुई है गोद में, लेकिन शैतानी पूरी कर रही है। सबका पेट भर गया भाई, नहीं भरा? हाँ मैंने भी। और यहाँ पर आ चुका है हमारा नूडल्स जो हमने खा लिया था पहले खाना, उसके बाद हमने नूडल्स लिए थे क्योंकि मुझे वंश को और प्राची को ही खाने थे, इन तीनों को तो खाने ही नहीं थे ज़्यादा, एक तो चम्मच ही खाए थे मम्मी पापा और इन्होंने। सो और आपको जो पीछे से नॉइस आ रहा है ना, हमारी जो ओरिजिनल वीडियो का वॉइस है उसमें वो जो पीछे है बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, वो है कुछ लेडीज़, 7-8 लेडीज़ वहाँ पर बैठ के किटी पार्टी कर रही थी तो उनका प्रॉपर शोर आ रहा था, बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे वो लोग। बैठो, कैसा लगा पापा के बर्थडे का खाना? बहुत बढ़िया लगा, एकदम बढ़िया बढ़िया। इस तरह खाओ, इधर मुंह पे वो आ रहा है। अब बताओ, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। अब किया हमारे पापा का बर्थडे भी बहुत बढ़िया। यू हैप्पी बर्थडे करना पापा का, हैप्पी बर्थडे। और फिर यहाँ पर पापा केक का काटने से तो बिल्कुल मना ही कर रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना मीठा तो खाया ही जाएगा, वहाँ पर भी हम कुछ खा के नहीं आए तो हमने बना ली पेस्ट्री। और यहाँ मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ तो मैं भाभी के साथ मजाक कर रही थी, पहले ऐसे खिलाया करते थे ना रिस्पेक्ट वाला केक, और अब तो यूँ ही खिला देते हैं, तो ऐसी बातों बातों में मजाक मस्ती में हमारा टाइम कट गया। और उसके बाद ना शीतलाष्टमी थी, तो शीतलाष्टमी वाले दिन का भी मैं भी आ गया आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। हम लोग मंदिर गए थे बट वहाँ पे दिखाने लायक कुछ नहीं था भीड़ के सिवा, बहुत ज़्यादा वाली भीड़ होती है उस दिन तो। और फिर यहाँ नेक्स्ट डे हो चुका है, तारों की छाँव में हम लोग निकल गए थे शीतला माता पूजने के लिए, क्योंकि सुबह ही के टाइम हमारे यहाँ तो पूजी जाती हैं, वैसे तो लोग चलते रहते हैं काफ़ी टाइम तक, पूरा दिन ही उनका होता है। सो हम लोग निकल गए थे और मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, थोड़ी थोड़ी क्लिप रिकॉर्ड कर ली क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि खुद संभलना मुश्किल हो रहा था मंदिर के अंदर। तो यहाँ हम लोग जा रहे हैं, अभी हम चौराहे पे पहुँच चुके हैं जहाँ होली जलती है वहाँ पर। सो ये हमारे नियर बाई पड़ जाता है चौक, उसके पास ही जा रहे हैं। सो भाभी मम्मी चल रही, मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड करने लगी थी, उसके बाद यहाँ हम पहुँचेंगे मंदिर। और ये मंदिर अभी काफ़ी इसमें काम चल रहा है, बन रहा है, दोबारा टूट के सारा का सारा, इसलिए इसमें थोड़ी भीड़ वगैरह बहुत हो जाती है और काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि छोटा पड़ गया है, अभी दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया है। सो बस इसी तरीके से हमने अपनी माता पूजन यहाँ पे कर लिया, फिर हम लोग घर आ गए। और थोड़ा जब हम वापस आने लगे थे तो सुबह हो चुकी थी। सो चलिए आप लोग देखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। गए हेलो नहीं होंगी, यहाँ भी चढ़ेगी, यहाँ तो दवा रखी है माता बिल्कुल।